सोलन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर भारी संख्या में नागरिकता संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया। ये प्रदर्शन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से देश में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। कानून का विरोध करने वालों पर डंडे बरसा कर उन्हें खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के आवाज को जबरदस्त दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में सभी को अपनी राय रखने का हक कानून ने दिया है, लेकिन केंद्र की सरकार सभी की आवाज को दबाना चाहती है, जो सरासर गलत है और सरेआम कानून का उल्लंघन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उपायुक्त सोलन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार सिंह ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। देश की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और अगर कोई उनका विरोध करता है तो उस विरोध को जबरन बलपूर्वक दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने छात्रों की आवाज को कुचलने के लिए उन पर गोलियां तक चलवा दी हैं, जिसके चलते एक छात्र को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है, जो एक शर्मनाक घटना है। इसलिए उनके द्वारा एसडीएम सोलन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है और देश के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया गया है। ज्वाला जी के वार्ड नंबर 7 में स्थित चमनलाल टिम्बर मर्चेंट के गोदाम में अचानक से आग लग गई। इस आगजनी से लगभग 3 या 4 लाख का नुकसान टिम्बर मर्चेंट के मालिक को हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि चारों ओर इमारती लकड़ी भरी पड़ी थी। साथ ही गोदाम के साथ गौशाला स्थित थी, जिसमें पशु थे। नुकसान में इमारती लकड़ी समेत कोयला भी शामिल है। आग की घटना की सूचना के बाद थाना प्रभारी मनोहर चौधरी के नेतृत्व में उनकी टीम मौके पर पहुंची, वो मामले को लेकर छानबीन शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चमनलाल टिम्बर मर्चेंट के गोदाम में अचानक से आग लगी है। घर के सदस्यों को आग लगने का पता तब लगा जब सुबह 5 बजे के करीब उठे। इस बाबत पवन गोस्वामी ने बताया कि सुबह उठने के बाद उन्होंने अपने लकड़ी के गोदाम में, जहां इमारती लकड़ी के साथ कोयला भी रखा हुआ था, वहां आग की लपटें उठती हुई देखी और आनन-फानन में इस बारे में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। पवन गोस्वामी ने बताया कि मामले की सूचना देने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंच गई और उसमें रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान होने से बच गया। गोस्वामी का कहना है कि इस आग को उसमें रहते काबू ना पाया जाता तो अंदर रखी आरा मशीन और आटा चक्की मशीन जलकर राख हो जाती, जिसकी कीमत लाखों रुपए की है। उन्होंने बताया कि आग की लपटें उक्त शेड के अंदर तक चली गई थी, जहां आरा मशीन के साथ साथ कोयले से भरी बोरियां रखी हुई थी, लेकिन स्मेल रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टलने से बचा लिया गया। पवन गोस्वामी ने बताया कि इस आग की घटना से उनका लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 2 लाख रुपए का कोयला और 3 लाख रुपए की इमारती लकड़ी नुकसान में शामिल है। उन्होंने इस नुकसान को लेकर प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इससे कुछ वर्ष पहले भी चमनलाल टिम्बर मर्चेंट के गोदाम में आग का मामला पेश आ चुका है। इस बीच लाखों रुपए का नुकसान टिम्बर मर्चेंट के मालिक को हुआ था। सोलन में हिमाचल राज्य विद्युत परिषद जिला कल्याण संघ द्वारा पेंशनर दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दिवस पर जिला भर से आए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। पेंशनर दिवस की
अध्यक्षता अध्यक्ष एस डी रतन ने की। प्रदेशाध्यक्ष बी के सूद विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशनर दिवस के महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए उनका संघ क्या क्या कदम उठा सकता है, इसको लेकर विस्तृत विचार विमर्श भी किया गया। इस मौके पर संघ के मुख्य सलाहकार जेसी शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष बी के सूद ने प्रदेश ने अपने ही विभाग की कलाई खोली और कहा कि उपस्थित सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत कर प्रदेश में बिजली का जाल बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हैरानी और दुख होता है कि बिजली बोर्ड अपने काम में गुणवत्ता नहीं ला पा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में बिजली के कट लगातार लग रहे हैं, जिसे विभाग को गंभीरता से लेना चाहिए और प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा प्रदान कर विभाग की छवि को बेहतर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से बिजली बोर्ड की सेवाएं दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल राज्य विद्युत परिषद जिला कल्याण संघ पिछले 2 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उन्हें मिलने तक का समय नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी मांगे अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। उन्हें दिया जाने वाला भत्ता बिजली बोर्ड ने बंद कर दिया है, उसे बहाल करना चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिले।